वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फिलहाल गाइज मैं हूँ बिहार में, बिहार के जहानाबाद में। मैं अपने एक फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने आया था एंड लास्ट टाइम जब मैं बिहार आया था तब मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी एंड दशरथ मांझी जो है उसको कवर किया था। एंड आज हम लोग के पास एक दिन का टाइम था तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मीन्स जो थोड़ा बहुत राजगीर का कुंड ग्लास ब्रिज सब जो बचा था उस चीज़ को कवर किया जाए। और हम लोगों को मीन्स आज ही बराती जाना है। तो अभी हम लोग का सुबह का बज रहा है 9 एंड आज ही आते जाएंगे, बट उससे पहले हम लोग को जो थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ था उसको हम लोग आज राजगीर में एक्सप्लोर करेंगे। वन इंपॉर्टेंट थिंग गाइस जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी 1K सब्सक्राइबर पूरी हुई है। थैंक यू सो मच उसके लिए, मीन्स मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया आपको पता है, एंड आपका सपोर्ट और आपका प्यार से ही 1K सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हुआ है। एंड ये है मेरा भाई मंटू जो मेरे बगल में बैठा है। और बहुत दिन बाद गाइस मैं अपने ट्रैवल ग्रुप के साथ जा रहा हूँ जिसके साथ मैं लास्ट दिखा गया था। और ये मेरा पीछे पूरा ट्रैवल ग्रुप, सुमित भैया, शुभम भैया, अजय भैया, अमित अंकल, शक्ति भैया, दिलीप, साहिल, और ये हमारे ड्राइवर भैया। सो चलते हैं गाइस, बहुत मजा आने वाला, जितना एक्सप्लोर कर पाएंगे एक दिन में हम लोग करेंगे। सो लेट्स गो। अभी हम लोग आ चुके हैं मीन्स कुंड के सामने ही, यहाँ पर मीन्स अभी हम लोग का यहाँ पर कार लग चुका है जिससे हम लोग आए बुलेरो से। एंड यहाँ से हम लोग थोड़ी सी दूर है कुंड, वहाँ पर जाएंगे और सबसे पहले कुंड में नहाएंगे। कुंड लास्ट टाइम बच गया था जिस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। एंड सबसे पहले अभी हम लोग जाएंगे कुंड में, उसके बाद ग्लास ब्रिज एंड उसके बाद देखा जाएगा कहाँ जाएंगे, बट इससे पहले सबसे पहले चलते हैं हम लोग कुंड में। सो लेट्स गो। तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं कुंड के पास, यहाँ पर हम सब कपड़ा वपड़ा खोल कर रेडी होकर जाते हैं। एंड मेरे पीछे देख सकते हो ये कुंड का मेन एंट्री, दिख नहीं रहा, हल्का ब्लर है। और आज कार्तिक पूर्णिमा है जिसके कारण भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेडीज़ों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। मीन्स वैसे नॉर्मल डे में भी इसमें भीड़ रहता है बट आज भी थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ है। सो चलते हैं कुंड के पास, देखते हैं कैसा है। सो लेट्स गो। सो अभी हम लोग आ चुके हैं कुंड के अंदर एंड ये कुंड बहुत बड़ा है, बहुत सारे कुंड हैं इसमें, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। एक मेन कुंड है जो है ब्रह्म कुंड, जिसमें ज़्यादा देर तक रहने नहीं दिया जाता है, बस कुछ देर इधर से जाकर उधर से निकलना, उधर शूटिंग भी अलाउड है कि नहीं पता नहीं, बट मैं ट्राई जरूर करूँगा। एंड यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है, सब एक साथ ही मतलब एक ही कुंड में सारे नहाते हैं। एंड यहाँ पर मेरा ग्रुप जो है वो कपड़ा वपड़ा चेंज कर कर जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे मंदिरें भी है, शिव परिवार, हनुमान मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बहुत सारी मंदिर हैं। एंड बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, आज कार्तिक पूर्णिमा है इसलिए बहुत ज़्यादा लेडीज़ की भीड़ है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। सो अभी हम लोग जाएंगे नहाने, अगर शूटिंग अलाउड हुआ अंदर तो करने की कोशिश करेंगे, और नहीं हुआ तो भी देखेंगे बाहर जाएंगे। सब लोग चलते नहाने। सो लेट्स गो। ठीक है, हमने बोला था दंपर जैसी पूजा के नियम है।
अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मीन्स इतना ज्यादा पानी था कुंड में। थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज है आपको, सबसे पहले यहाँ पर एक बगल में छोटी सी नल है जो मैंने वीडियो में दिखाया, वहाँ पर हल्की आपको अपने ऊपर पानी लेनी है। उसके बाद एक साइड से अंदर कुंड के अंदर जाते हैं, जिसको बहुत ही ज्यादा मजा है। और इतना ज्यादा पानी था और पूरा गर्म पानी, ठंडी हो गर्मी हो कोई भी सीजन में हमेशा गर्म रहता। बहुत ही अमेजिंग था। आप एक बार यहाँ पर आके इस चीज़ को जरूर एक्सपीरियंस करो। एंड इसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बिहार बहुत ज़्यादा फेमस है। सो अभी हम लोग नहा लिए एंड अभी हम लोग नहा कर निकलेंगे कहीं और के लिए, क्योंकि हम लोग का पास एक ही दिन है जितना एक्सप्लोर कर पाएंगे राजगीर। सो चलते आगे उसको। तो अभी हम लोग कुंड से नहा कर कुंड के थोड़े से ही आगे में, मीन्स पीछे वाले रास्ते से एक माउंटेन टाइप में है, वहाँ पर जा रहे थे। तो हम लोग को यहाँ पर एक बहुत यूनिक सा चीज़ मिला, ये आप देख सकते हो। ये बोला जाता है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध आराम किया करते थे, ऐसा बोला जाता है। एंड ये हम लोग अभी आ चुके हैं ऊपर, जहाँ से दूसरा रास्ता है, कुंड के पीछे वाला रास्ता है। अरे आप देख सकते हो पब्लिक यहाँ पर फोटोज वोटोज क्लिक करा रही है, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। सो अरे इसकी माँ की। तो वहाँ से कुंड से स्नान करने के बाद बहुत लोग यहाँ पर क्लिक कराने आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फोटो आती है और व्यू भी बहुत अमेजिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने कार में और उसके बाद जाएंगे रोपवे या फिर ग्लास ब्रिज, देखा जाएगा जहाँ पर भी जा पाएंगे। सो चलते आगे, लेट्स गो। सो मीन्स हम लोग ग्लास ब्रिज के पास पहुंच गए, राजगीर नेशनल सफारी के पास। एंड यहाँ से ये रास्ता है जहाँ से ग्लास ब्रिज सब कुछ है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई है। ग्लास ब्रिज है उस पर मैक्सिमम 825 टिकट ही जा सकते हैं, तो हम लोग थोड़ी सी लेट कर दिए। मैंने समझ गया 3 बजे तक आए और 2 बजे ये बंद हो जाता है, सुबह 8:30 बजे खुलता है और 2 बजे तक बंद हो जाता है, जिसके कारण अब हम लोग को अंदर जाने नहीं मिलेगा। आप वो वीडियो देखें जिसमें अंदर जाने के लिए अगर हम लोग घूमने ही बोल रहे हैं, उसमें हम लोग को नहीं दे रहा। 2-3 लड़की थी उन लोगों को जाने मिल गया और हम लोग बोल रहे तो हम लोग को जाने नहीं दे रहा। ये हर जगह का यही प्रॉब्लम है। तो ग्लास ब्रिज रह गया, ये दूसरी बार हो रहा है हम लोग के साथ। इससे पहले भी जब मैंने बिहार आया था तो उस समय मैंने भी कोशिश की थी बट नहीं हो पाया, और इस बार भी नहीं हो पाया। बट हमारे पीछे ये है सोन भंडार, अमेजिंग प्लेस है। अब इसको देखते हैं कैसा है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। चलते हैं आगे। कोई दरवाजा खुली लिपि जो देख रहे थे वहां मंत्र लिपि का नाम था संख लिपि, जो नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न ददे। इसे 1199 में जब अल्लाहद्दीन बख्तियार खिलजी का प्रतिमा पाया गया सर, तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज। तो अभी हम लोग की गाड़ी आ चुकी है एंड वहाँ से रिटर्न घूमने के बाद मीन्स वो तो WLS बंद हो चुकी थी, एंड एक ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है वो है रोपवे। तो वो अगर बंद हुई तो फिर हमारा लक खराब होगा, बट एक बार हम लोग जाकर ट्राई कर रहे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो एक्सप्लोर करने की बहुत सारी कोशिश करेंगे। एंड मेरा जो गैंग है इन लोगों का पूरा मूड खराब हो गया उस WLS के बंद होने के कारण। वहाँ का सिस्टम वही है कि अगर एक बार 800 टिकट बुक हो गई तो उसके बाद वो लोग टिकट देते नहीं है कुछ रीजंस के कारण। सो अभी हम लोग जाते हैं आगे, देखते हैं वो रोपवे हम लोग को मिलता है कि नहीं। हम लोग अभी आ गए हैं रोपवे के पास एंड हमारे पीछे ये रोपवे ग्रुप, एंड यहाँ पर 80 रुपीज लगती है। चलते हैं देखते हैं। अरे मैं रोपवे में आ गया हूँ, ये मीन्स बहुत ही ज़्यादा ऊंचा जा रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरा ग्रुप पीछे है, मैं सबसे पहले आ गया एक्साइटमेंट में एंड बहुत ही ऊंचा है, थोड़ा सा डर लग रहा है। एंड ये सिंगल पीस है, सो मैं आपको अभी उधर का दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो कितना मीन्स खाली टाइप का है, बहुत खाली खाली सी है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये सिंगल वाला है, ऊपर आप जो देख रहे हो उसमें 4 जन जाते हैं एंड इसमें अलोन अकेले जाते हैं। एंड बहुत मज़ा आ रहा, थोड़ा थोड़ा फट भी रहा है, बहुत खाली है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर एंड ये मॉनेस्ट्री, एंड रोपवे से ऊपर आने के बाद ये छोटा सा एक मॉनेस्ट्री है
जागौज का। बहुत सी अमेजिंग चीज़ें बाकी है यहाँ पर, मीन्स बहुत ही ज़्यादा ऊँचा है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर है ऊपर से व्यू, बट उससे पहले आपने जो बंदर देखा, यहाँ पर बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। कुछ भी हो मोबाइल वाइल एकदम नहीं छीनते हैं, बट खाने पीने का चीज़ है तो वो खुद आकर छीन लेंगे। एंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कितना ही अमेजिंग है। सो देखो सो अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे, एंड यहाँ से हम लोग को जाना है कार में हम लोग घर। एंड हमारा एक फ्रेंड का वेडिंग है जिसे भी हम लोग को अटेंड करने जाना है, जिस रीज़न के लिए हम लोग बिहार आए थे। सो यही हम लोगों को एक दिन जो मिला था, जो जितना एक्सप्लोर करने के लिए राजगीर हम लोगों ने किया, आसपास रह गया था बंद हो जाने के कारण उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। और कुछ मोनेस्ट्रीज एंड ये रोप वे जो सबसे फेमस है बिहार का, तो इन सबको आज हम लोगों ने एक दिन में एक्सप्लोर किया। एक दिन में इजी नहीं है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश किया। एंड कुछ चीज़ें छूट गई जिन चीज़ों का हम लोगों का बहुत अफसोस है, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब मैं बिहार आऊँगा तो फिर से इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लूँगा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे इसी रोप वे से, आप देख सकते हो बहुत मज़ा आ रहा है रोप वे में। सिर्फ 80 रुपीज़ लगी इस रोप वे के, एंड मीन्स पैसा वसूल, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सो अभी हम लोग जाएँगे नीचे। So I hope you all guys enjoyed this video, and if you did, give a big thumbs up. Make sure to subscribe this channel, and I'll see you in the next video. Tab tak ke liye thank you, dhanyawad, bye bye. Audio Jungle.